रोग प्रतिरोधक अश्वगंधा की उन्नत खेती, आइए जानते हैं इस फसल के बारे में। अश्वगंधा एक कम खर्च में अधिक आमदनी और निर्यात से विदेशी मुद्रा प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण औषधीय फसल है। इसका वानस्पतिक नाम विथेनिया सोमनीफेरा ड्यूनाल है, जो सोलेनेसी कुल का सदस्य है। इसके असगंध, अस्कन या आस्कन नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तुत वृत्तचित्र में अखिल भारतीय समन्वित औषधि एवं सुगंधित फसल परियोजना उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर मध्य प्रदेश की अनुशंसाओं पर आधारित है। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न औषधि फसलों पर शोध कार्य निरंतर क्रियान्वित हो रहा है। फसल का महत्व जानते हैं हम अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा का प्रयोग प्राचीन काल से विभिन्न रोगों के निदान के लिए किया जाता है। इसके बहुमुखी उपयोग के कारण आयुर्वेद में इसे महाऔषधि कहा गया है। बैंगन के कुल के इस पौधे के प्रत्येक भाग में औषधीय गुणों का भंडार है। इसकी जड़ों का उपयोग अधिक होता है। यह अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, चक्कर, हृदय रोग और रक्त शोधन में काफी उपयोगी है। यह बल वृद्धि करते हुए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला होता है। वृद्धावस्था में शरीर की कोशिकाओं में टूट फूट तीव्र हो जाती है। अश्वगंधा इस प्रकार की टूट फूट को कम कर नवजीवन और नई शक्ति प्रदान करता है। साथ ही गठिया, वात, दर्द, स्नायु संबंधी कमजोरी को दूर करके नव स्फूर्ति प्रदान करता है। अश्वगंधा के जड़ के चूर्ण का दूध के साथ जाड़े में 2-3 माह तक सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति, औज और कांति आती है और सभी प्रकार के वीर विकार भी दूर होते हैं। यह कमजोर बच्चों के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। बच्चों का शरीर विकसित कर हष्ट पुष्ट बनाता है। यह स्त्री रोगों को दूर करने में भी सहायक होता है। प्रसव के उपरांत शरीर में आई समस्त प्रकार की कमजोरी को दूर करता है। यह कायाकल्प करने वाली औषधि है। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी मशीनरी जिंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के मानसिक और शारीरिक तनाव से ग्रसित है। अश्वगंधा की जड़ में पाए जाने वाले कुछ विशेष रसायनों में तनाव मुक्ति यानी एंटी स्ट्रेस गुण पाया जाता है। इसके लगातार सेवन करने से किसी भी प्रकार का तनाव सदा के लिए दूर हो जाता है। इस कारण इसकी मांग विदेशों में भी बहुत बढ़ रही है। अश्वगंधा की रासायनिक संरचना को भी हम समझते हैं। अश्वगंधा की जड़ों में फाइबर, स्टार्च, प्रोटीन, एमिनो अम्ल के अतिरिक्त अल्कलॉइड पाए जाते हैं। अश्वगंधा की जड़ और पत्तियों में कई प्रकार के विथेनोलाइड पाए जाते हैं। ये एक प्रकार के स्टेरॉइड होते हैं जो हमारे शरीर के हार्मोन से मिलते जुलते हैं। इसके उपयोग से शरीर की हार्मोन प्रणाली सुदृढ़ होती है। बढ़ती हुई मांग और अच्छा भाव मिलने से हमारे किसान भाइयों के लिए अश्वगंधा की खेती बहुत ही लाभदायक हो गई है। भूमि का चुनाव। अश्वगंधा के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। भारी मिट्टी में इसकी उपज बहुत अच्छी नहीं होती। हल्की और मध्यम हल्की भूमि इसके लिए सर्वोत्तम मानी गई है। मानसून प्रारंभ होने के पहले खेत की अच्छी जुताई कर पाटा चला दें, जिससे मिट्टी भुरभुरी बन जाए। फावड़े की सहायता से समतल क्यारियां बनाएं। इस समय यह भी ध्यान रखें कि क्यारियां अच्छी तरह से समतल और खरपतवार रहित हो। अब इसकी उन्नत प्रजातियों के बारे में जानते हैं। अश्वगंधा की उन्नत किस्मों के प्रमुख किस्म है जवाहर अश्वगंधा 20। यह 180 से 200 दिन की अवधि की होती है। इससे जड़ों की उपज लगभग 6 से 8 क्विंटल और बीज उत्पादन 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल सकता है। दूसरी किस्म है जवाहर अश्वगंधा 134। यह 175 से 190 दिन की अवधि में होती है और इसकी जड़ों की उपज लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और बीज की उपज लगभग 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। तीसरी किस्म राजविजय 100, जो कि 150 से 170 दिन की अवधि की होती है और इसमें जड़ों की उपज लगभग 6 से 8 क्विंटल और बीज की उपज लगभग 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है।
अब आइए जानते हैं कि अश्वगंधा को बोने का क्या तरीका होना चाहिए। अश्वगंधा की बुआई जुलाई के अंत से अगस्त के मध्य तक की जाती है। जब वर्षा लगभग 70% समाप्त हो जाती है, सामान्य रूप से इसकी बुआई छिड़कवा विधि से की जाती है। पंक्ति में बोना ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए 6 से 7 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बोनी के पूर्व बीजों को डायथेनम 45 नामक दवा से 3 ग्राम प्रति किलो या कार्बेंडाइजिम से 2 ग्राम प्रति किलो के बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके अलावा 1 लीटर प्रति किलो बीज की दर से पानी में सोकिंग करके रात भर बीज को रखकर अगले दिन बोनी करनी चाहिए। पर्याप्त नमी होने पर अंकुरण 8 से 10 दिन में हो जाता है। अब हर फसल को अलग अलग खाद की मात्रा और उर्वरक की मात्रा आवश्यक होती है। अश्वगंधा की खेती के लिए जीवांश खाद का उपयोग बड़ा ही लाभदायक होता है। भूमि में जीवांश की मात्रा बनाए रखने के लिए 5 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के मान से जून माह में अच्छी तरह से भूमि में मिलाकर बखरनी कर देना चाहिए, जिससे जड़ों की गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार होता है। इसके साथ ही फसल बोते समय कतारों में 6 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर 20 से 25 किलो नत्रजन, 50 से 60 किलोग्राम स्फुर और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से कतारों के बीच में नीचे या संपूर्ण खेत में फैलाकर अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाने के पश्चात बोनी करना चाहिए। फसल में नत्रजन की अधिक मात्रा देने से पौधे ऊपरी वायु विभाग विकास अधिक होता है और जड़ें खोखली रह जाती हैं। इसीलिए अनुशंसित मात्रा का उपयोग ही करें, जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली ठोस स्टार्ची जड़ें पैदा हों। अश्वगंधा में PSB कल्चर का उपयोग बहुत लाभकारी होता है, यानी फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। इससे दिव्य स्फूर की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। अश्वगंधा में सिंचाई। फसल सामान्यतः असिंचित अवस्था में उगाई जाती है, लेकिन बुआई के समय पर्याप्त नमी ना होने पर अंकुरण के लिए हल्की सिंचाई जरूर करना चाहिए। बाद में यदि जमीन में दरार अधिक हो, सूखापन हो, तो बुआई के 80 से 100 दिनों पर 1 या 2 सिंचाई भी हम दे सकते हैं। अश्वगंधा में निंदाई और गुड़ाई। फसल की आरंभिक बढ़वार बहुत धीमी होती है, इसीलिए 25 से 30 दिन की अवस्था में, यानी 1 महीने की अवस्था में निंदाई गुड़ाई अवश्य करें। इसी समय पौध विरलन का कार्य भी करें और 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। कतारों में बोनी या छिड़का बोनी में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 70 से 80 पौधे रखने चाहिए। फसल में रासायनिक निंदा नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरॉन या ग्लाइफोसेट नामक निंदा नाशक का अंकुरण पूर्व छिड़काव भी लाभकारी होता है। साथ ही 30 से 45 दिन की अवस्था पर पौध विरलन और हाथ से निंदाई किया जाना आवश्यक होता है। इससे हमको फायदा होगा और पौध संख्या भी नियंत्रित होगी, निंदा भी नियंत्रित होगी। खरपतवार तो नष्ट होते ही, साथ में मिट्टी में वायु का उचित संचार भी होता है, जड़ों का उत्तम विकास होता है। विरलन कार्य करने से पौधों के बीच में परस्पर अनावश्यक प्रतियोगिता भी नहीं रहती, इसके फलस्वरूप रोग मुक्त या स्वस्थ फसल तैयार होती है। आवश्यकता से अधिक पौध संख्या, यानी 7 से 8 लाख प्रति हेक्टेयर होने पर जड़ें पतली हो जाती है और यही कम पौध संख्या रखने पर जड़ें मोटी और काष्ठयुक्त यानी फाइबर युक्त हो जाती है। अश्वगंधा में यानी अश्वगंध में सामान्य रूप से तो कोई विशेष कीट या रोग प्रकोप नहीं होता, लेकिन कभी कभी माहों का प्रकोप होता है। ऐसी अवस्था में हमें इमिडाक्लोरोपाइड 5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इसी प्रकार अश्वगंधा की फसल को पाला से बहुत अधिक नुकसान होता है। पाला पड़ने पर अश्वगंधा की पत्तियों के सिरे झुलस जाते हैं। लंबी अवधि तक पाला रहने पर पत्तियां पूरी झुलस जाती है और पाले से बचाव के लिए हमें संध्या के समय धुआं करना चाहिए। पाले की आशंका होने पर हल्की सिंचाई भी कर देना चाहिए। कहीं कहीं पर अश्वगंधा में ओरोबैंकी खरपतवार की समस्या भी देखी जाती है।
इसके निवारण के लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें और फसल चक्र अपनाएं। अश्वगंधा में कभी कभी झुलसा रोग या पौध गलन का भी प्रकोप होता है। प्रकोप होने पर डायथेन M45 का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल का छिड़काव करें। भूमि जनित रोगों के लिए कृषक भाई जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा विरिडिस को देसी खाद या केचुआ खाद में मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। पादप संरक्षण और प्रबंधन के कार्य के दौरान यह भी ध्यान रखें कि अनावश्यक कीटनाशी या रोगनाशी का उपयोग न करें। इसके अधिक प्रयोग करने से फसल में मित्र कीटों की संख्या में कमी आती है। आइए अब हम फसल की कटाई के बारे में चर्चा करते हैं। फसल कटाई उपयुक्त अवस्था पर ही करना चाहिए। फसल पकने पर फल नारंगी रंग के हो जाते हैं, जिसमें बीज भरे रहते हैं, और फसल पकने पर हल्की सिंचाई जरूर कर देना चाहिए। अत्यंत कम नमी की अवस्था को बनाए रखते हुए पौधे को ऊपर की ओर खींचकर जड़ समेत निकालना चाहिए। ध्यान दें कि एक बार में ही पूरी जड़ बाहर आ जाना चाहिए। इस समय नमी की अवस्था अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद पौधों के समूह बनाकर जड़ को बाकी पौधों से अलग किया जाता है। सारी जड़ें एकत्र करके धूप में सुखाई जाती हैं। सुखाने के बाद जड़ों का श्रेणीकरण किया जाता है। मंडी में अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए जड़ों का श्रेणीकरण करके ही इसका विक्रय किया जाना चाहिए। अधिक शुष्क पदार्थ अर्थात अधिक पाउडर युक्त जड़ों को मंडी में अच्छा भाव मिलता है। अब देखिए, आप स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है, जड़ों को आदर्श जड़ कहा जाता है। यह ना तो ज्यादा मोटी और ना ही ज्यादा पतली होने चाहिए, और ज्यादा शाखाएं भी नहीं होना चाहिए। श्रेणीकरण के बाद किसानों को गहाई का कार्य करना रहता है। इसके लिए थ्रेसर का उपयोग करते हैं। गहाई से हमें अश्वगंधा के बीज प्राप्त होते हैं। आर्थिक महत्व वाले बीज के अलावा शेष बचा पौधे का हिस्सा भी बाजार में बिक जाता है, जिसमें पत्तियां और तना शामिल रहता है। इस प्रकार अश्वगंधा का पूरा पौधा ही आर्थिक महत्व का होता है। इसका कोई भी भाग व्यर्थ नहीं जाता। वर्तमान में ट्रैक्टर चलित ग्रेडर और थ्रेशर भी आ गए हैं, जिसमें पूरी फसल डालने पर पंचांग, बीज व जड़ें अलग हो जाती हैं। इस कार्य से हमें साफ स्वस्थ बीज और जड़ें प्राप्त हो जाती हैं। गहाई के पश्चात प्राप्त पंचांग भी बाजार में अच्छे भाव पर बिक जाता है। ग्रेडर पर जड़ों का श्रेणीकरण करना भी श्रेयस्कर होता है। इससे उपज में प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाली जड़ों का हमें अच्छा भाव मिल जाता है। आइए हम जानते हैं अश्वगंधा के प्रसंस्करण के बारे में। मोटी और स्टार्च युक्त जड़ें विभिन्न दवा बनाने वाली इकाइयों द्वारा बारीक पाउडर के रूप में पीसकर कैप्सूल या गोलियां बनाने में काम आती हैं। इसके मुख्य खरीदार डाबर, वैद्यनाथ, झंडू, हिमालय ड्रग जैसी कंपनियां हैं। वहीं रेशेदार पतली जड़ों का सांद्र निकालकर यानी एल्कलॉइड कॉन्सेंट्रेट निकालकर बनाने वाली इकाइयां भी बहुत सारी हैं। कृषक चाहे तो अपने घर में ही अश्वगंधा का पाउडर बनाकर बेच सकते हैं। इसके लिए बाजार में मिनी पल्वराइजर भी उपलब्ध हैं। यदि किसान प्रसंस्करण का कार्य भी स्वयं करते हैं तो निश्चित रूप से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में अश्वगंधा की ग्रेडिंग या श्रेणीकृत जड़ों की मंडी नीमच और नीमच जिले के मनासा तहसील में है। इन्हीं मंडियों से व्यापारी वर्ग माल खरीद कर प्रसंस्करण के लिए या खुद बिक्री के लिए बाहर भेजते हैं। आइए अब जानते हैं अश्वगंधा की आय व्यय का ब्यौरा। अश्वगंधा की खेती में 1 हेक्टेयर में लागत लगभग 1 लाख रुपए आती है, जिसमें बीज पर 400 रुपये प्रति किलो की दर से 2800 रुपये, सिंचाई और अन्य कर्षण क्रियाओं पर लगभग 25,000 और कटाई गहाई पर लगभग 72,000 रुपये खर्च होता है। इस प्रकार 1 हेक्टेयर में अश्वगंधा की लागत लगभग 1 लाख रुपए होती है। इसके बदले में हमें लगभग 6 क्विंटल जड़, जो कि बाजार में 20,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लगभग 1,20,000 रुपये की आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त लगभग 40 क्विंटल पंचांग 2,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से रुपये
80,000 और बीज लगभग 8 क्विंटल के 2,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 16,000 रुपये आय प्राप्त होती है। इस प्रकार कुल आय लगभग 2,16,000 और शुद्ध आय लगभग 1,16,000 की होती है। यह गणना न्यूनतम बाजार भाव को दृष्टिगत रखते हुए की गई है। किसानों को निश्चित रूप से इससे अधिक आय प्राप्त होती है। वर्तमान कोविड महामारी के दौर में अश्वगंधा का बाजार बहुत अधिक मिल रहा है, क्योंकि अश्वगंधा में अधिक खाद उर्वरक और पौध संरक्षण के उपाय नहीं करना पड़ते। इसे कृषक जैविक विधि से भी उगा सकते हैं। जैविक विधि से अश्वगंधा को उगाने से कृषक को मंडी भाव से अधिक भाव मिलता है। इस प्रकार जैविक अश्वगंधा लगाकर कृषक प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं और सही मायने में अपनी कृषि आय को दुगना कर सकते हैं। प्रस्तुत वृत्त चित्र राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की महत्वपूर्ण इकाई अखिल भारतीय समन्वित औषधीय एवं सुगंधित फसल परियोजना उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर मध्य प्रदेश की अनुशंसाओं पर आधारित है।